फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक स्लिंग बैग लेकर आई हूँ। और ये स्लिंग बैग हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कॉटन कपड़े का जब मैं थान खरीदती हूँ या आप लोग भी खरीदते होंगे कॉटन सूट, ये कॉटन सूट में ज़्यादा इस तरह की प्रिंट मिलती है। ये बड़ी ट्रेडिशनल प्रिंट सी होती है, तो उसका बॉर्डर जो बच जाता है मैं आज उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर ये दो लेस है हमारे पास, और इसके साथ ही एक जिप है, जिप भी बची हुई है मेरे पास, तो अभी इसको बाद में काट लेंगे। और एक रनर ले लेंगे और एक 50 इंच की बेल्ट ले लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है, तो इसको बस फटाफट रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ है हमारे पास 7 बाई 17 इंच का हमने ये पूरा एक पीस लिया है। अब शुरुआत करेंगे इसी एक पीस से। इसका यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे, होल्ड करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे और इस सेंटर पर इस लेस को, अब ये जो यहाँ पर बॉर्डर है, ये आपके पास साड़ी का बॉर्डर भी हो सकता है, कोई लेस भी हो सकती है या कोई प्रिंट भी हो सकती है जो आपको अच्छी लगे। तो इसको बस जैसे ये मेरे पास इसकी इंच जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है, और इसको इस तरह से फोल्ड जब करेंगे इस तरह से, तो इसकी जो सेंटर मार्क लगाया है यहाँ पे रखना है, और इसको यहाँ पर पहले हम पिन कर देंगे। इसको यहाँ पिन कर देंगे और इसको सेंटर पे रखते हुए यहाँ पिन कर देंगे, जिससे कि हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी रहे। इसको पिन कर देंगे यहाँ, बीच में भी पिन करेंगे जिससे कि ये हिले नहीं, क्योंकि सिलते सिलते कभी कभी कपड़ा जो है किनारे आ जाता है। अब ये जो मैंने लेस ली है, तो ये लेस वगैरह भी दुपट्टों के किनारे या साड़ी के बॉर्डर के किनारे वगैरह लगी रहती है, उसी तरह की लेस है ये। लेकिन ये मेरे पास रोल था, उसमें बची हुई है, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है, इसके किनारे मैंने हल्का सा कपड़े का मार्जिन लिया हुआ है, आधे इंच से भी कम। अब इस लेस को इसके ऊपर यहाँ रखेंगे, और ये जो हमारे पास लाइनिंग दिख रही है ये दिखनी चाहिए। इस तरह का कोई अगर कपड़ा हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसका बॉर्डर दिखना चाहिए, और इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। अब ये जो लेस लगाई है इसका दूसरा सिरा भी बारीकी से सिल देंगे, और इसी तरह से ये दूसरा बॉर्डर भी सिल देंगे, ये दूसरी लेस भी इसमें हम सिल देंगे। इसको हमने इस तरह जोड़ दिया, अब पिन को निकाल देंगे, और इस तरह से ये कपड़े की लुकिंग आ गई। क्योंकि जो प्रिंट में यहाँ पे नीला कलर है, ब्लू कलर है, वो इससे हल्का सा मैच कर रहा है, और रेड कलर भी उभर के आ रहा था, जो उभरते हुए कलर थे वो मैंने बीच में लगा दिए हैं, जिससे कि इस कपड़े की अपनी सुंदरता बनी रहे और कपड़े पर एक शो भी आ जाए। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन में दे करके चीज़ को तैयार करना चाहिए। अब बारी आती है इसमें, अब इसमें हम जिप लगा लेंगे, एक साइड से जिप लगाएंगे। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है, बस आपके पास क्विल्टेड पीस बचे हुए भी हैं तो उनको जोड़ के इसको आप बना सकते हैं, और नहीं तो नया पीस जैसे मैंने रेडी किया है इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने रनर डाला और ये दोनों लेस हमारी बराबर आ गई, आगे पीछे की लेस बराबर होनी चाहिए। अब इसमें हम फिर से रनर डाल देंगे, और बीच में रख देंगे, इसको उल्टा करेंगे, अब ये हमारी जिप लग गई, इसको हमने उल्टा कर लिया। अब इसमें फिर एक मेजरमेंट करेंगे, इसमें अब ये 7 इंच का है, तो इसमें 1/2 इंच इधर मार्क करेंगे और 1/2 इंच इधर मार्क करेंगे, और इस 1/2 इंच से बॉटम तक इस तरह से
तिरछी स्केल रख के लाइन खींच लेंगे ऐसे, इधर भी और इधर भी। नीचे जो स्केल है वो सिलाई का मार्जिन यहाँ पर होना चाहिए, इस तरह से लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद अब इसमें हम बेल्ट डालेंगे, 15 इंच की बेल्ट लेंगे और बेल्ट का जो सिरा है उसको हम पहले लॉक कर देंगे। ये बेल्ट हमारी सिक्योर हो गई, अब इसके अंदर डालेंगे और ये जो हमने निशान लगाया हाफ इंच से, तो हाफ इंच से बस सिलाई का मार्जिन यहाँ पे कि बेल्ट हमारी दब जाए इतना रखना है, और डबल मशीन यहाँ पर चलाते हुए इसको नीचे तक सिल देंगे। एक चाप की दूरी से फिर एक दूसरी मशीन चलाएंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर कट कर देंगे। इसी तरह से बेल्ट को यहाँ पर सीधा कर लेंगे और यहाँ पर उसी तरह से बेल्ट की सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको भी टेढ़ा सिल के और एक दाब मशीन चला के कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद सीधा करेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। ये हमारा झटपट एक स्लिंग बैग रेडी हो गया। और ये मैंने इसी तरह से और भी कई कलर में बनाए हैं, कोई कलर डबल नहीं। ये था आज का हमारा छोटा सा स्लिंग बैग का वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।